कुछ लोग कहते हैं मैडम जी आई लव यू, प्यार से बोलते हैं, हम लोग आई लव यू टू बोल देते हैं। कुछ लोग बोला मैडम जी आई लव यू टू बोले, आई लव यू बोले हैं जवाब नहीं देंगी क्या, कुछ लोग ऐसे होते हैं। मैडम चुनरी झलका हुआ जो अभी आपका रिलीज हुआ है रितेश पांडे वाला, धमाल मचा रहा है, क्या कहना है इस गाने को लेकर? अब जहाँ पे लखनऊआ वर्ड आ जाए वहाँ धमाल ना मचे तो बेकार ही है, तो गाने में बिल्कुल लहंगा लखनऊआ है और धमाल मचना जरूरी है, जहाँ भी लखनऊ के लोग रहते हैं धमाल तो मचता ही है। रितेश पांडे की जो जोड़ी है जो मीम्स काफी ज्यादा वायरल किए जा रहे हैं जी आपके गाने को लेकर जी, तो इसके ऊपर क्या है फैंस का रिएक्शन, क्या है किस तरीके से आप देखिए? देखिए क्या है, फैंस हैं और फैंस का प्यार हर तरीके का होता है। कुछ लोग कहते हैं मैडम जी आई लव यू, प्यार से बोलते हैं, हम लोग आई लव यू टू बोल देते हैं। कुछ लोग बोल रहे हैं मैडम जी आई लव यू टू बोले, आई लव यू बोले हैं जवाब नहीं देंगी क्या, कुछ लोग ऐसे होते हैं। तो जो मेम्स बन रहे हैं ये अच्छी बात है हम लोगों के लिए, हर जो भी हमारी ऑडियंस है, हमारा जो भी फैंस हैं, हम लोग उनका जो भी तरीके का प्यार है उसको स्वीकार करते हैं। कभी लोग समझते हैं कभी नहीं समझ पाते हैं, तो शायद थोड़ा समझने में टाइम लगे, लेकिन ठीक है, आपके सभी तरीके का प्यार के लिए हम लोग हाथ जोड़ के उसको एक्सेप्ट ही करते हैं। मैडम 2021 का खेसारी लाल यादव की फिल्म दुल्हन वही पिया मन भावे है, आपने उनके साथ बहुत सारे काम किए, 2021 की जो फिल्म इंडस्ट्री है स्टार्ट हुई है, किस तरीके से देखते हैं कि 2021 फिल्म भोजपुरी इंडस्ट्री के लिए? बहुत ही अच्छा होगा, और सिर्फ भोजपुरी ही क्यों, ओवरऑल हमारी जितनी भी मतलब इंडस्ट्री है सबके लिए अच्छा होना चाहिए, क्योंकि 2020 सभी का अच्छा नहीं गया है, सभी लोगों ने बहुत स्ट्रगल किए, बहुत सारी दिक्कतों से सब लोग गुजरे हैं, और हम सब यही चाहते हैं कि हम लोग अब एकजुट होकर बहुत अच्छा काम करें, बेस्ट काम करें, हमारी जो ऑडियंस है उनको अच्छे अच्छे सिनेमा दें, अच्छी तरीके से इंटरटेन करें, डिफरेंट डिफरेंट वेज में इंटरटेन करें, ताकि उनका जो पैसा हम पे खर्च करते हैं वो वेस्ट ना जाए। 2021 की प्रोजेक्ट की बात करें तो आने वाली है। बहुत सारे प्रोजेक्ट लाइनअप हैं, अभी मैंने रिसेंटली एक हिंदी फीचर फिल्म की थी बायोस्कोप जिंदगी, जो कि अभी रिसेंटली रिलीज़ हुई है, उस फिल्म को मेरी 7 इंटरनेशनल अवार्ड मिल चुके हैं, और मुझे भी उसमें बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड से नवाजित किया गया है, मिला है, तो उसके लिए भी मैं मेरे फैंस को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी। ये फिल्म आप लोगों को हंगामा और MX प्लेयर पर इसका ट्रेलर आपको देखने को मिल जाएगा, और हंगामा पे आप ये हमारी फिल्म देख सकते हैं, और भी काफ़ी फिल्में हैं लाइनअप हैं रिलीजिंग के लिए आप लोगों को देखने को मिलेंगी, वो बाकी सारी फिल्में मेरी भोजपुरी की फिल्में हैं जो आप लोगों को देखने को मिलेंगी। रितेश पांडे के साथ चुनरी झलका हुआ आप नजर आए, क्या खेसारी और पवन जी के साथ में कुछ नया ड्यूट सॉन्ग आने वाला है, वीडियो धमाका कुछ ऐसा? अभी मैं इस बारे में कुछ नहीं बता सकती, जल्दी शायद आप लोगों को कुछ देखने को मिले। थैंक यू। अभी घर घर की कहानी अभी मेरी फर्स्ट फिल्म है जो फ्लोर पे जाने वाली है, इंदौर में इसकी शूट होगा, इसका शूट होगा, और आने वाली फिल्मों में बहुत सारी फिल्में हैं। कसम पैदा करने वाली की पार्ट 2 ऑलरेडी रिलीज़ हो चुकी है, अभी इसी साल रिलीज़ हुई है, और शक्ति है, हथकड़ी 2 है, नज़र है, और मेरी पापा की शादी में ज़रूर आना, लव एक्सप्रेस है, और प्यार का है बनाया राम ने है, और कुंभ है, ये सारी फिल्में हैं जो रिलीजिंग के लिए तैयार हैं, बहुत जल्द रिलीज़ होंगी। थैंक यू।